नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको SRM कंट्रेक्टर IPO कलॉटन का जो स्टेटस है कैसे देखने को मिलेगा और कहां देखने को मिलेगा, इसका रजिस्ट्रार क्या रहने वाला है और इसे आप किन किन साइटों से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस IPO में अप्लाई किया हुआ है तो अभी के अनुसार आपको कितने का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, इसे क्या GMP चल रहा है, दोस्तों इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों कितने लोग का ये भी कमेंट में आ रहा था क्या इस कलॉटन का जो डेट है चेंज हो गया है या क्या बदल गया है, और दोस्तों कितने बजे तक क्या टाइमिंग रहने वाला है, इन को आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपने इस IPO में अप्लाई किया हो तो दोस्तों ये वीडियो खासकर आपके लिए है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें SRM कंट्रेक्टर IPO के अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस उसे जानने से पहले और उस पर जाने से पहले कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका डिटेल्स उस पर एक नजर डाल लेते हैं जो आपके लिए खास और आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि इसका जो IPO मार्केट में आपको 26 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च के बीच आता हुआ दिखा है। और दोस्तों बात करें इसका अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, दोस्तों इसका जो आपका अलॉटमेंट का जो डेट है आपको 1 अप्रैल का दिन रखा गया है, लेकिन दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट आपको इससे पहले आता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों बात करें इसका रिफंड के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको रिफंड इसका देख सकते हैं कि आपको 2 अप्रैल के दिन है यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है तो। और दोस्तों बात करें कि जैसा आपको सभी डाटा निकल के आ रहा है दोस्तों, तो जिसमें जो आपका अलॉटमेंट का चांसेस है काफ़ी आपको हाई रहने वाले हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जितने बंदे इसमें अप्लाई किए हैं सबको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आपको अलॉटमेंट का चांसेस क्या रहने वाला है ये भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और दोस्तों बात करें यदि आप इसमें लकी रहते हैं आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो दोस्तों जो आपको शेयर है आपको डीमैट अकाउंट में 2 अप्रैल के दिन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों बात करें सबसे बड़ी बात, इसकी जो लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो आपको बुधवार का दिन रहने वाला है जो कि आपको 3 अप्रैल का दिन होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये तो आपको इंपॉर्टेंट जो आपको डेट्स है जो आपके नजर में होनी चाहिए इसके लिए आपको देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस IPO में अप्लाई किया हुआ है तो दोस्तों कितने बंदों में से कितने बंदों को आपको अलॉटमेंट का जो चांसेस है क्या निकल के आ रहा है और आपको अलॉटमेंट के चांसेस क्या देखने को मिल रहे हैं ये भी आपको चलिए वीडियो में एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जो सब्सक्रिप्शन का इसका जो डाटा है उस पर एक बार नजर डालते हैं। और दोस्तों बात करें मार्केट में, दोस्तों कोई भी आपका जो IPO आता है कोई ना कोई दोस्तों आपका एक रजिस्ट्रार रहता है। और दोस्तों इस IPO केस में जो इसका आपका रजिस्ट्रार है वो दोस्तों आपका बिग शेयर सर्विसेज है। और दोस्तों बात करें IPO जो आपका IPO आता है उसका रजिस्ट्रार का क्या काम रहता है, तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया होना चाहिए। दोस्तों जो उसका रजिस्ट्रार रहता है वो IPO को पूरा लाने से पूरा आपका प्रोसेस से लेके IPO का आपका पूरा उसका मतलब प्रचार प्रसार करना, इसके बाद उसका पूरे अलॉटमेंट का उसका प्रोसेस को उसमें आपको ठीक ठाक से उसको पूरा हो जाए ये भी देखना, इसके बाद कितने बंदों से कैसे कैसे उसको आपको अलॉटमेंट देखने को मिला और जिन जिन बंदों को अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला उनको पैसे कैसे कैसे आपको रिफंड करना है और लिस्टिंग के रिगार्डिंग, तो दोस्तों इसका सारा जो प्रोसेस आपको रजिस्ट्रार के हाथों में होता है। तो चलिए दोस्तों आपने तो देख लिया इसका जो आपका रजिस्ट्रार है आपका बिग शेयर सर्विसेज है। तो चलिए जो इसका सब्सक्रिप्शन का डाटा उस पर एक नज़र पहले डाल लेते हैं फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करें इसके सब्सक्रिप्शन डाटा के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसका जो IPO मार्केट में आपको देख सकते हैं कि ओवरऑल आपका 86 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, और दोस्तों बात करें इसमें आपका बड़े प्लेयर के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को मिला कि बड़े प्लेयर ने इस IPO को देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब करता हुआ दिखा है और इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स भी निकल के आ रहा है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको जैसे कि जो बड़े प्लेयर हैं जैसे आपका QIB, इनकी तरफ देख सकते हैं कि IPO ने आपको 59 टाइम सब्सक्राइब किया और इनकी तरफ से देख सकते हैं कि 1551 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों HNI ने भी इस IPO को शानदार सब्सक्राइब किया और इनके तरफ से अराउंड 215 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों इनके तरफ से देख सकते हैं कि 4197 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों इसके अंदर भी देख सकते हैं कि आपका बिग HNI और आपका स्मॉल HNI, तो दोस्तों आपको स्मॉल HNI की तरफ देख सकते हैं कि 203 टाइम सब्सक्राइब किया है और बिग HNI ने इस IPO को देख सकते हैं कि 220 टाइम सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों इनमें भी आपको जो अलॉटमेंट का जो चांसेस में काफ़ी आपको टक्कर देखने को मिलेगा। और दोस्तों देख सकते हैं कि स्मॉल HNI ने इस IPO को 1325 रुपये का इसमें एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। और बात करें तो दोस्तों यदि आपका बिग HNI का, तो देख सकते हैं इनके तरफ से 2871 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गया आपका सारे मतलब बड़े प्लेयर का। अब दोस्तों बात करें रिटेल का, तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रिटेल ने भी इस IPO काफ़ी शानदार सब्सक्राइब करता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों इनके तरफ से देख सकते हैं कि 47 टाइम आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों रिटेल की तरफ से देख सकते हैं कि 2140 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि इस IPO में देख सकते हैं कि लगभग आप देख सकते हैं कि 46 से लेकर आपको 47 किसी, तो दोस्तों इतने बंदों में से किसी एक बंदे को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, जो कि दोस्तों आपको काफी आपको टफ देखने को मिल रहा है। और अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं कि आपको 203% का आपको अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है, अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं।
तो दोस्तों ऐसा तो आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपको अलॉटमेंट के चांसेस। चलिए दोस्तों अभी आपको वीडियो में आपको आगे लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस आईपी में अप्लाई किया हुआ है तो अभी के अनुसार क्या जीएमपी देखने को मिल रहा है और उसको क्या प्रॉफिट देखने को हो सकता है, ये भी आपको जानना इस वीडियो में जरूरी है। उसके बाद आपको अलॉटमेंट का जो चांसेस है आपको बारी बारी से सब आपको चेक करा देते हैं। तो दोस्तों बात करें एसआरएम कंट्रेक्टर आईपी को जेएमपी के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने में लिखा जेएमपी आपको 125 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इस आईपी का जो ऑपर प्राइस बैंड है 210 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद 335 रुपये निकल के आता है दोस्तों। और बात करें इन परसेंटेज गेन की तो आपको देखने को मिले कि अराउंड आपको 60% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आपको देखने को मिला कि इस आईपी के इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो जेएमपी आपको 25 रुपये से शुरू हुआ था, इसमें देख सकते हैं कि फिर 25 के बाद फिर 30 रुपया, 30 के बाद फिर 40, फिर 58, फिर 68, फिर 70, फिर 95, फिर 115, फिर आपको 125 रुपये इसने हाई लगाता हुआ दिखा है दोस्तों। और आपका करंटली आपको 125 पे ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो होगा इसका जीएमपी के रिगार्डिंग। अब चलिए दोस्तों इसका जो आपका रजिस्ट्रार है उसके आपको साइट पे लेके चलते हैं। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है आप उसे दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो आप इसका रजिस्ट्रार के साइट पे जाके और दूसरा जो इसका जो आपका बीएससी के साइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले आपको बीएससी के साइट पे लेके चलते हैं, उसके बाद इसका रजिस्ट्रार के साइट पे लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको लेके आ गए। और दोस्तों बात करें मार्केट में दोस्तों कोई भी आईपीओ आता है उसका दोस्तों आपको उसको जो आपकी लिस्टिंग होती है वो आपको बीएससी पे भी होती है आपको देखने को मिलेगी, मेन बोर्ड आईपीओ को और आपको एनएससी पे भी होती हुई दिखेगी। तो दोस्तों आईपीओ का जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है आप उसे दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो आप बीएससी के साइट पर जाके क्योंकि इसका दोस्तों लिस्टिंग यहाँ भी हो रही है, और बात करें आप इसका जो आपको जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसका जो रजिस्ट्रार का साइट है वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके आ गए हैं। यहाँ आने बाद आपको दो ऑप्शन शो कर रहा है, एक आपका इक्विटी और दूसरा आपको डेट। तो दोस्तों पहले आपको इसमें इक्विटी पे सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों इक्विटी पे सिलेक्ट करने के बाद पेज आपके सामने एक बार रिफ्रेश होकर आ जाएगा। दोस्तों रिफ्रेश होकर आ जाने के बाद आपको देखना है इसमें क्या करना है कि जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों कंपनी का नाम जैसा कि मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया तो दोस्तों पेज आपके सामने और एक बार रिफ्रेश होकर आ जाएगा। फिर आपके सामने और एक ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर। तो दोस्तों आपको इसमें पैन कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप चाहें तो इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर भी के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा और आपका बेस्ट रहा है कि आप इसमें अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिए क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड नंबर इजीली अवेलेबल भी रहता है और कितने बंदों को तो याद भी रहता है। तो दोस्तों इसमें पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको इसमें आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इसमें सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको सर्च बटन पे क्लिक करते आपको देखने को मिल जाएगा आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो इसका जो आपका रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विसेज उसके आपके वेबसाइट पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप उसके आपको साइट से कैसे आपका अलॉटमेंट का जो स्टेटस है आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों दोनों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके अपना जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसका जो रजिस्ट्रार का साइट है उस पर आपको लेके चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिग शेयर सर्विसेज के आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको लेके आ गए। दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको इसमें तीन ऑप्शन शो करेगा, देख सकते हैं सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री। तो दोस्तों आपको इसमें सर्वर वन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप चाहे तो सर्वर टू पे भी कर सकते हैं, सर्वर थ्री भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्वर वन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों सर्वर वन पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें सामने एक आपके सामने एक नया विंडो ओपन के आ गया। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरीके से जो आपका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको देखते हैं कि सिलेक्शन टाइप हो गया, इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर हो गया, बेनिफिशियरी आईडी हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया। तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा और आपका इजीली रहेगा कि आप इसमें पैन कार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों पैन कार्ड नंबर आपको इजीली अवेलेबल रहता है और कितने बंदों को दोस्तों याद भी रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें काम का क्या करना है, कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अपनी कंपनी का नाम इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम मैंने अभी तक का कोई भी आपका नाम इसमें सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा कोड को फिल कर देना है। और दोस्तों कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको इसमें इजीली आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपना अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों यदि अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।